हेलो, वेलकम टू ऐसे पिजन लॉफ्ट। ये बहुत दिन से मेरे भाई लोग का मैसेज आ रहा था कि एक वीडियो बनाओ, तो ये वीडियो हमने बनाया है। ये हमारी तैयारी के ऊपर है, गर्मी में जो हम उड़ाने वाले हैं। 20 मई से टूर्नामेंट है हमारा, मतलब ईद, रमज़ान बाद, ईद के बाद मुंबई पिजन में उड़ा रहे हैं हम लोग। कुछ 18 टीमें हैं, इमरान मर्चेंट की कमेटी है उसमें उड़ा रहे, और शायद हम लोग एक और कमेटी में भी उड़ाएंगे। तो ये मादियाँ हैं, देखिए इनका पर हमने खींचे थे, कुछ पर खींच के भी ये जो आज हम वीडियो बना रहे हैं, हम समझ जाओ 27 से 28 दिन हो गया हमारा पर खींच के। एक ये माशाल्लाह सबके दुम पर अच्छे खासे आए हैं, और जब दुम पर दिए थे तो उसमें खुराक लगती है भाई, वैसी खुराक देना पड़ता है। जैसे कि दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इनको रोज़ सुबह असली घी की रोटी दी जाती है, फिर शाम के टाइम दाने में चना, मकई, गेहूं, बाजरा, अच्छे से अच्छी खुराक देनी दी जा रही है। क्योंकि जब पर खींचते हैं तो कबूतर बहुत कमज़ोर होते हैं, तो वो हिसाब से इनकी खुराक ही अच्छी चल रही है। आप लोग देख सकते हैं क्या कंडीशन में है कबूतर। देखिए जितनी भी है टोटल मादियाँ हैं, आप लोग देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई अगर कबूतर हमने रखे हैं तो सब कबूतर सही सही, भाई पर खींचते तो कबूतरों में बहुत सी बीमार होते हैं, कमज़ोर होते हैं, टेढ़ में आते हैं, तो सबको फेस करना पड़ता है। अभी हमने 15 कबूतरों की उड़ान है और हमारे पास कुछ नहीं तो कुछ 200 कबूतर है उसके लिए। तो सभी मुंबई में जितने खिलाड़ी हैं माशाल्लाह सबके पास ही कबूतर, सब ने ज़्यादा ही भर के रखते हैं, और कंपटीशन भी बहुत तगड़ा होता है। तो ये देखिए सब मादियाँ हैं, लोग देख सकते हैं। उड़ान का भी वीडियो आएगा, और जैसे जैसे आगे तैयारी होगी इनको कलर की, इनको बुटॉक्स की, नहाने की, तो सब वीडियोस भी आएंगे आपको। तो अभी ये सब मादियाँ हैं, अभी आगे नरों का भी वीडियो अभी दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये पूरे के पूरे नर है, कंडीशन देख लीजिए कैसे अच्छे खासे, एकदम चुस्त दुरुस्त है, एकदम तगड़े क्वालिटी आपके सामने है। ये पूरे ए टू जेड इलाहाबादी है, समझ जाओ 200 कबूतर है तो उसमें 30-35 बॉर्डर वाले होंगे, ये ज़्यादातर इलाहाबादी कबूतर है, और नए कबूतर भी इसमें कुछ 110-120 कबूतर है। आप क्वालिटी देख सकते हो, ये पूरे जितने के जितने हैं सब नर है, आप लोग देख सकते हैं सबके आधे से ज़्यादा दुम पर आ ही गए। बहुत मेहनत लग रही है इनको कंडीशन में रखने के लिए, और सभी भाई लोग जो भी उड़ान उड़ाते हो जानते होंगे कितनी मेहनत लगती है, और जो नहीं भी उड़ाते उनके लिए भी भाई, जो मेरे को बहुत फ़ोन आते हैं भाई 7 घंटे के दो, 8 घंटे के दो, रेडीमेड कबूतर नहीं भाई, ये देखो ऐसे बनाना पड़ता है, तो ही इसमें से अभी बनेंगे 100-200 जो भी है, उसमें से हमें 50-60 कबूतर मिलेंगे जो लंबे होंगे। बहुत से भाई डायरेक्ट फ़ोन करके बोलते हैं भाई 8 घंटे वाला उड़ने का दो, 10 घंटे वाला। बहुत मेहनत लगती है, बहुत लंबा प्रोसेस है। ये देखिए अभी इनके पीछे हम लोग लगे हुए, तो अभी आस्ते आस्ते जब इनका पर आएगा फिर ट्रेनिंग चालू होगी, फिर उसमें पता चलेगा कौन क्या है कबूतर इसमें। ये देखिए जैसे कि बहुत प्रॉब्लम्स भी आती है, नए दुम दिए थे इसकी दुम टेढ़ी आ गई, तो हर चीज़ छोटे छोटे पॉइंट है जो देखना पड़ता है। बहुत लंबा प्रोसेस है, प्रॉपरली केयर करना पड़ता है उड़ान के टाइम। ये देखिए ये 27-28 दिन हुआ ये पर आए है, तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा तो कमेंट करें। थैंक यू।